गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर किसी कंडक्टर के सरफेस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है कि कैसे सरफेस के कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो एक ई रेगुलर शेप का कंडक्टर हम एजूम कर लेते हैं जिसके सरफेस पर प्लस चार्ज दिख रहा है यहाँ से सबको क्लियर है सरफेस पे सारे प्लस चार्ज होंगे ठीक अब इससे थोड़ी डिस्टेंस पर देखिए देखने के लिए तो थोड़ा ज़्यादा दूर बनाना पड़ रहा है बट थोड़ी डिस्टेंस पे हमें एक पॉइंट पी मेज़र कर लिए पॉइंट पी इसी पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बाई गौसला गॉसला का रूल शायद पता हो सबको कि गॉसला से जब भी हम निकालेंगे पहले फ्लक्स की जब भी बात करेंगे तो क्लोज सरफेस होना चाहिए तो क्लोज यानी एक आपको क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा तो इसका एक गौसियन सरफेस हमने ड्रा कर दिया और गौसियन सरफेस ऐसे ड्रा जब किया तो इसका आधा हिस्सा कंडक्टर के अंदर और आधा कंडक्टर के बाहर दिखाई देगा इतने हिस्से आपको दिखाई देंगे और इसको हमने नेम दे दिया वन टू थ्री फोर ये चार नेम में डिवाइड कर दिया कि चार ऐसे क्लियर नेम है इसके ठीक है अब हमें पॉइंट पी की जो बात कर रहे थे कि पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन की बात किया जाए तो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आई होप सो सबको क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आउटवर्ड होगा पॉइंट फोर की बात कर रहे थे अगर हम पॉइंट वन की बात करें पॉइंट वन पर कैसा होगा तो सबको पता है कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यानी इस वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा ज़ीरो कंडक्टर के अंदर है यानी यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स भी ज़ीरो होगा श्योर पॉइंट टू की बात करें ये भी कंडक्टर के अंदर है यानी यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ज़ीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा तो यहाँ भी फ्लक्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा अब पॉइंट थ्री की बात करते हैं यहाँ छोटा सा एक एलिमेंट्री एरिया डी एस ले लिए और इस डी एस का ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एंगल कितना बन रहा है नाइन्टी डिग्री तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर होने के बावजूद यहाँ पर फ्लक्स ज़ीरो होगा क्यों जीरो हो रहा है बिकॉज ई डॉट डी एस ई डी एस कॉस ठीटा और ठीटा 90 डिग्री कॉस 90 ज़ीरो इसलिए पूरा टर्म क्या जीरो हो जाएगा तो अब एक पार्ट सिर्फ बचा ये फोर्थ पार्ट ये वाला पार्ट ई और डी एस या डी ए जो भी है एक ही डायरेक्शन में है तो ई डी ए कॉस जीरो तो फ्लक्स बचा कितना फाइव बराबर बच जाएगा ए तो ये हमें फ्लक्स निकला थ्रो द गॉसियन फ्लक्स थ्रो द गॉसियन सरफेस किसके थ्रू बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स फाइव बराबर फाइव फाइव टू प्लस फाइव थ्री प्लस फाइव फोर फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव फोर ये फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर फाइव वन जीरो क्लियर फाइव टू जीरो क्लियर फाइव थ्री सब कुछ होने के बावजूद भी जीरो है क्योंकि एंगल 90 तो बच गया फाइव फोर तो फाइव बराबर ये ये पहला कंडीशन हमें पता चल गया अब हम दूसरे कंडीशन की जब बात करेंगे तो ला का यूज करेंगे बाई द ला, अगर इस सरफेस पे अगर इस सरफेस पे सपोज ये जो चार्ज दिखाई दे रहा है ज़रा ध्यान से देखना ये चार्ज इतना ये यहाँ पर कितने चार्ज हैं तो सरफेस पे अगर चार्ज डेंसिटी अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लिया जाए तो टोटल चार्ज जो सिग्मा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा सिग्मा किसके बराबर हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू या चार्ज किसके बराबर हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए चार्ज किसके बराबर सिग्मा इंटू ए क्योंकि वो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा था तो क्यू बराबर सिग्मा ए हो जाएगा यहाँ तक तो क्लियर है इस वाले सर्फेस की क्योंकि तो उतना ही सर्फेस पर देखना भी है उतना ही सर्फेस के कारण यानी हमें क्यू घौसला क्या कहता है फाइव इज इक्वल टू क्यू बाई एबसाइल इज नॉट तो क्यू की जगह हमें क्या मिल गया सिग्मा इंटू ए अगर दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें इक्वेशन फर्स्ट जो equation first equation first, ये इक्वेशन फर्स्ट था इक्वेशन फर्स्ट फाइव बराबर इ और इक्वेशन सेकेंड क्या है फाइव बराबर सिग्मा इन टू एपसाइले नॉट इक्वेट करेंगे तो ई कितना आ जाएगा सिग्मा बाई एपसाइले नॉट और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्लीकेशन है तो आई होप ये आप लोग अच्छे से समझे होंगे लास्ट डे हमने आपको एक अप्लीकेशन बताया था अब एक अप्लीकेशन इसका और बताना है वो नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट्स सभी लोग एन के न्यूमेरिकल जितने भी हैं रिलेटेड टू दिस मैं कल इस पर डिस्कस करूँगा परसों लेकिन आप लोग सारे न्यूमेरिकल जितने हैं उसको लगाते जाइए पूरा का पूरा मैं वन बाई वन एन के न्यूमेरिकल को डिस्कस करूँगा ठीक है ओके थैंक यू स्टूडेंट्स